Welcome, welcome, welcome to the grand finale of Fruity Presents Comedy Circus ke Ajube. Grand finale यानी हंसी के इस खूबसूरत कारवां की सबसे बड़ी मंजिल, वो मंजिल जहां चुना जाएगा हंसी के सबसे बड़े अजूबों का विजेता. और विजेता बनने के लिए टिकड़ियों में ग्रैंड कंपटीशन होगा, हर एक्ट में ग्रैंड लाफ्टर होगा. लेकिन विजेता की ये ट्रॉफी होगी किसके हाथ, ये अधिकार है कॉमेडी के सबसे बड़े शहंशाहों के पास. सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हंसी की पालनहार अर्चना पुरन सिंह एंड एंटरटेनमेंट के दाता अरबाज खान. एक बार आर्ची और अरबाज के लिए जोरदार तालियां. आर्ची, आई डोंट नो अगर आपको अंदाजा है, आई एम श्योर होगा, लेकिन क्या आप जानती हैं कि आप इस शो के 16 सीजन्स, 360 एपिसोड्स, 1766 एक्ट्स में इनके पंचेस खाती आई हैं? वाओ, अमेजिंग. मुझे बताइए कि आज इस सीजन में, जो कि कॉमेडी सर्कस का अब तक का सबसे लंबा सीजन रहा है, उसके 53rd एपिसोड में आपके लिए सबसे यादगार पल कौन सा रहा? वैसे तो कॉमेडी सर्कस का हर एक्ट, हर पंच, हर मोमेंट मेरे लिए यादगार है और रहेगा, लेकिन इस सीजन ने शायद पहली बार मुझे हंसाते हंसाते रुला भी दिया है. भारती सिद्धार्थ और कीकू का वो माँ वाला एक्ट मैं कभी नहीं भूल सकती. माँ, दुनिया छोड़ के चली गई. लेकिन क्यों, हम इतना बुरा कर रहे हैं? फॉर्चुनेटली मैंने अपनी जिंदगी में किसी को खोया नहीं है, लेकिन अगर किसी को खोता या खो जाए तो मैं जेल नहीं पाऊंगा. That was such a touching act, है ना? कृष्णा सुदेश और सिद्धार्थ के सेव द गर्ल चाइल्ड वाले एक्ट ने सिर्फ मेरे दिल को ही नहीं, बल्कि आई एम श्योर हिंदुस्तान में जो भी दर्शक हैं उन सब के दिलों को भी छुआ था. आपके लिए कॉमेडी सर्कस का ये पहला सीजन है, पहला ग्रैंड फिनाले, लेकिन आई एम श्योर कि आप हमारी टिकड़ियों को कई सालों से टेलीविजन पर देखते आए हैं, तो आपके लिए अब तक सबसे यादगार मोमेंट क्या रहा है? मैं ये शो में क्लाइमैक्स के टाइम पर जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैं शुरुआत से जुड़ गया था. Because I've been following this show and I love this show. पहली बात तो मैं कहूँगा कि सारे जो acts थे वो सब fantastic acts थे, लेकिन मंत्रा का जो नोनी सिंह का जो act है ना, wow! इस show पर लगभग सारे actors ने सोहेल को play किया है, लेकिन जो कपिल ने सोहेल का interpretation किया था ना, वो तो वो लाजवाब था, seriously. मैं चाहता हूँ भाई आप शादी करके settle हो जाओ भाई. आपको पता है आपकी शादी की उम्र दो बार निकल चुकी है भाई. भाई आप क्या बोल रहे हैं, आपको लड़की नहीं मिलती है? नहीं भाई, लगता है आपने श्वेता तिवारी को नहीं देखा भाई. नहीं नहीं, मेरे को सलमान भाई बोलती है भाई, यही अपना प्रॉब्लम. पता है मेरे को सोहेल भाई, अरबाज भाई को अरबाज भाई, सलमान को सलमान भाई, उनको पता ही नहीं हम लोग खान से, वो सोचते हैं हमारा सरनेम है भाई. तू मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ा पहले ये बता. अरे भाई मैं बस यही चाहता हूँ भाई कि आपकी शादी हो जाए, मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ भाई. टेंशन फ्री क्यों, मैं तेरी बेटी हूँ. But even Purbi is fabulous in every character she portrays on this manch. Lekin uska semi-finale wala Jigna Jamnagri, my favorite. You're too good. Hello, friends. Hello, friend. Friends, I am back. Hi, Shruti. I am back. Myself, Jigna Jamnagariya. World famous in Jamnagar. Settled in Mumbai. Hello. Ah, Jai Sibal. Kya? पानी आ गया? अरे मेरे लिए बाल्टी भर देना. थैंक यार. कांदीवली इसमें जब 5 से 7 पानी आता है ना, पहली बाल्टी मेरे घर पे भरती है यार. बेबी, दैट सेमीफाइनल वाज टू गुड, इट वाज वेरी गुड. पूर्वी जब वो करती ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे उससे प्यार हो गया सीरियसली. नहीं मतलब वो जैसे कहती है उससे, प्रभु मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं निकुल से प्यार करती हूँ. मैं प्यार करती थी, मैं तुम सबसे प्यार करती हूँ. हम कॉमेडी सर्कस को प्यार करते हैं. बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया. वैसे आप दोनों ने सबके बारे में कुछ ना कुछ कहा है, तो आप दोनों को ऐसा नहीं लगता कि आप एक बहुत इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटी को भूल रहे हैं? मतलब
उनके बारे में कुछ कहना? कौन? नहीं, सारे स्टार्स तो हमने सब कवर कर लिए हमने। मेरा मतलब मैं मेरे बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप दोनों। सो सॉरी, हम तुमसे भी प्यार करते हैं, पर स्पेशली श्रुति, हाउ कैन आई फॉरगेट, एक यादगार मोमेंट जो कभी नहीं भूल सकती मैं, जब छोटे सिद्धार्थ ने तुम्हारा ड्राइवर बन के तुम्हारी उड़ाई थी, वो तो एकदम यादगार है। मेरे को आज भी याद है सन 1555 में जब वो पैदा हुई थी, डॉक्टरों ने आके बोला मुबारक को आपके नाक पैदा हुई है। फिर उस नाक में से हाथ निकले, पैर निकले, श्रुति बन। चलिए गुड, इसी बहाने आप दोनों को मैं याद तो आऊंगी। प्लीज जजेस, आप अपनी सीट दीजिए एंड एंजॉय द शो। जोरदार तालियां आरजी और अरबाज के लिए। आज ग्रैंड फिनाले में सब कुछ ग्रैंड होगा, आपका लाफ्टर तो ग्रैंड होगा ही, लेकिन आपके लिए हमारी तिकड़ियां विजुअली भी कुछ वाकई ग्रैंड करने वाली हैं। इश्क ना आसमान देखता है ना समुद्र का गहरा पानी, इसीलिए आज बन रही है एक कौवे और मछली की प्रेम कहानी। एक कौवे और मछली में हो गया है प्यार, लेकिन एक शिकारी करना चाहता है उनका शिकार। अब शिकारी जीतेगा या उनका प्यार, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम भारती एज मछली, सिद्धार्थ एज अ कौवा एंड किकू एज अ शिकारी। वेयर आर यू, वेयर आर यू? ओके, मैं इंग्लिश कौवा है, मैं वो ऑर्डिनरी कौवे जैसा कहा हूं ये नहीं बोलता, ऐसे निशाना लेके बीट करता है ना। मैं उस दिन श्रुति के गाल पे बीट किया मैंने, सेम ऐसा मुंह बनाया उसने, सेम। फिर ऐसे उंगली से ऐसे बीट निकाल के फेंका, मेरी तरफ नाक किया और बोली, हे नो वन कैन बीट मी। वैसे अर्चना जी, हेलो। हेलो, मैं कौवा हूँ, लेकिन मैं बहुत अमीर कौवा हूँ। क्या मैंने आज ही लोखंड वाला में घोंसला लिया। क्या ऐसे बहुत सारे घोंसले लेता रहता हूँ मैं, वो हमारे एक मैडम है आशा घोंसले, वो हमको ऐसे घोंसले देती रहती है। हेलो बोल छोटू, क्या हुआ, क्या चाचा मर गए? यस, अभी श्राद्ध में खीर पक्की है अपनी। हाँ सच्ची में, वो चाचा जब हॉस्पिटल में जा रहे थे ना, तो मैंने खुद बोला था मेरे दोस्त को, देख देख अपनी खीर जा रही है। आपको सच्ची बोलता हूँ, मैं प्यार में गिर गया, मेरा आइटम भी एकदम वंटा से ऐसा कम सीन है ना, बोले तो मछली, मछली जल की रानी नहीं, मछली मेरे दिल की रानी है। हाय अरबाज, हाय मगरमच्छ आंटी, हेलो। अरे यार तू इतना लेट क्यों आई? तुम क्या जानो हम नेवी वालों की प्रॉब्लम, एयरफोर्स वालों। गुड वन। तुम्हें पता है मुझे 3-4 झींगाओं ने पकड़ लिया था, वो मेरे साथ झींगा लाला करना चाहते थे। झींगा ने तेरे को पकड़ा? उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी बीट करता हूँ झींगा। ये क्या कर दिया तुमने, पीठ से मेरी मांग भर दी, ये तो हमारी शादी हो गई। तू टेंशन मत ले, शादी की सब तैयारी मैं करूंगा। देखो स्टेटस में ना अपन का सी फूड होगा, जैसे खेकड़ा चाचा, फिर वो बोमिल फ्राई सब आएगा, और मेन कोर्स में ना मेरा दोस्त भांगड़ा तो होगा, क्योंकि मेरे कोई दोस्त पंजाब से आने वाले, उनको भांगड़ा बहुत पसंद है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मेरे ऑक्टोपस पापा नहीं मानेंगे, वो तो मेरी पूछ पीली करने के बारे में बहुत पहले से सोच रहे थे। अरे तेरे ऑक्टोपस बाप के साथ मेरे को रिश्ता ही नहीं जोड़ना है, पूरा मार्केट में नाम खराब है मालूम अर्चना जी। क्यों? अरे एक एक चेक उनका बाउंस हो गया है, भूल ही जाते पिछली बार कौन से हाथ से चेक साइन किया था। तू उदास मत हो, इधर समुंदर में बहुत खजाना होता है। एक मिनट, ये क्या है? ये ले, हिन्नत वाला की सीडी। ये इधर कैसे? अरे फिल्म डूब गई थी ना, तो हम लोगों ने एक साथ बैठ के नीचे इसका प्रीमियर देखा था। और तेरे को पता है मगरमच्छ इसके डायरेक्टर को ढूंढ रहे हैं, कहते मिल गया ना तो इसके मुंह पे क्लैप करेंगे।
मैं तेरे लिए एक मस्त गाना गाता है तेरे आंखों के लिए. What a splendid morning. What a lovely day. Why nice. आज मैं फिशिंग करूंगा क्योंकि आज धूप भी कितनी कम है. अरे धूप कम नहीं मोटे, तेरे वजह से सूरज अड़ गया वाजवट. तुम्हें इससे बात कर, तेरे से बाद में निपटूंगा. पहले मैं जरा फिशिंग कर लूं, आज मेरा फिश खाने का मन है. तू मेरे मछली को नहीं खाएगा, मैं मर्द हूँ, उसको बचाऊंगा, मैं मर्द हूँ. ये बात भी सही है, इधर से साफ साफ दिखाई दे रहा है तू कितना मर्द है. ऐसे नहीं करने का यार, मेरे को शर्म आती है यार, ऐसे क्या करता है यार. एक मिनट, सब लोग को पता है शाना कौवा कहाँ बेचता है, जू पे. ए ज्यादा इंसल्ट मत कर मेरी, समझा ना, मैं सबसे क्लेवर क्रो हूँ. Okay, अगर तू इतना क्लेवर है तो मेरे एक इजी सी सवाल का जवाब दे. कुछ मेरे को बचा. हाँ. कि एक पेड़ पे 10 कौवे बटाटा. बटाटा बटाटा था या कौवे थे, या कौवे के झाड़ पे बटाटा था, कौन था क्या? एक पेड़ पे 10 कौवा बटाटा बटाटा बटाटा. वो 10 कौवे में से एक कौवे को मैंने गोली मार दिया तो कितना बचा? 1500. 1500? कैसे? हम कौवे में बहुत यूनिटी होती है, तूने एक को मारा ना, 1500 आके तेरे को बरोबर मारेंगे. और ऐसी ऐसी जगह पे मारेंगे ना चोच, तू नहीं बता जा सकता सबको इधर क्या क्या था. तू मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है, यू ट्राइंग टू स्केयर मी. तेरे जैसे कौवे नाले में मिलते हैं, फिनाले में नहीं. तू सबके सामने मेरा इंसल्ट किया, मेरे को कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन मेरे होने वाली बीवी के साथ तूने मेरा इंसल्ट किया क्या? यही समुंदर का भैंस तेरा बीवी है? अबे ओ धरती के गेंडे, ऐसी पुच्छी गिल्ली करके ऐसी पीठ पे मारेगी ना, ऐसे लगेगा किसी ने गीली चप्पल मारी है. हम दोनों की शादी होने वाली है और मैंने तो सोच भी लिया है हम दोनों के छोटे छोटे बच्चे होंगे. तुम दोनों के बच्चे कैसे? ओ जगते है. अरे सिंपल है, शादी के बाद इसको कमरे में लेके जाएगा, मस्त कैंडल विंडल जलाएगा और इसके कंधे पे जाके बैठेगा. कंधे पे बैठने से क्या होगा? अरे बाबा तेरे को मालूम है ना, कौवा जिधर बैठता है उधर मेहमान ज्यादा आते हैं. एक मिनट, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इधर हवा में रहता है, ये इधर पानी में रहती है, तो तुम दोनों जब शादी करेगा तो किधर रहेगा? देखो जीते तो हवा में, आज फिनाले, नहीं जीते तो गई भैंस पानी में. Now, मैं इस मछली को ऐसे नहीं पकड़ूंगा, इसको मैं गोली मार के अपने साथ लेके जाऊंगा. कौवे तू नीचे मत आना, कहीं ये गोली तुझे ना लग जाए. नहीं मैं तेरे को बचाऊंगा, मैं नीचे आऊंगा. नहीं कौवे मैं तेरे को बचाऊंगा. कौवे नीचे मत आना, मैं तेरे को बचाऊंगा. मेरी चमड़ी मोटी है, मैं बच जाएगी. नहीं मेरे से नहीं बच सकते. नहीं 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 कौवे तू पीछे चलो जल्दी, मेरे से चलो जल्दी. अरे मैं इसको रोक लेगी. नहीं नहीं चल 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 भाई सुजा नहीं चल 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 ए कौवे, ए मैंने बचाया तेरे को. ए तू कौवा है के गधा, मेरे को पानी से बाहर ले आया. मेरी सांस रुक रही है कौवे. नहीं मैं नहीं नहीं, ए मछली ये क्या हो गया? मैं तो सिर्फ मछली खाना चाहता था, अब मुझे साथ में कौवा बिरयानी भी खानी पड़ेगी. बचा. लग गया? Somebody, just come quickly. सिद्धार्थ मुझे भी मौका मिला है कई बार हार्नेस पे रहने का और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है एंड येट वन कुड नॉट सी आपके फेस के ऊपर कि कुछ कुछ फर्क पड़ रहा है.
तो पहले लगाया गया था ना तभी से मेरी सांस बहुत फूल रही थी जी, और जो मुझे लटकाया गया था ना तभी से मुझे अनकॉन्शियसनेस हो रहा था जी। तो मैं चाहता था कि मैं रुकाऊं लेकिन फिर नहीं, ये अच्छा बढ़ रहा था इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन एंड में जब मैंने भारती को उठाया तो मेरे को बहुत ये होने लगा था, इसलिए मैंने वो इस माय गॉड सिद्धार्थ आर यू ओके आई मस्ट से कि आज आपने जो किया वो बहुत ज्यादा यू नो यू गेव एवरीथिंग टू इट। एक वो बोलते हैं ना द शो मस्ट गो ऑन, वो आपने एक स्टेटमेंट को एकदम लाइव कर दिया। ग्रैंड फिनाले के मौके पर थाना ये एक्ट वन इन अ मिलियन, जोरदार तालियां हो जाएं। आरजी लेट्स स्टार्ट विद यू, ग्रैंड फिनाले का ये पहला एक्ट आपको कैसा लगा? येट वन मोर ग्रैंड फिनाले एंड व्हाट अ ग्रैंड ओपनिंग टू दिस सीजन्स ग्रैंड फिनाले। थ्री ऑफ यू, कितना ब्रेव एक्ट किया आपने। सिद्धार्थ स्पेशली यू, ये हार्नेस पहनना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, फिर उसमें आप डायलॉग्स बोल रहे थे कॉमेडी टाइमिंग के साथ, यू वर डूइंग सच अ फैबुलस जॉब एज द क्रो, वंडरफुल सिद्धार्थ। और मछली जल की रानी है सुना था, लेकिन मछली इनके दिल की रानी थी आज तो। माय हार्ट जस्ट डाइड, आई डाइड जब आपको मारा। इट वॉज फ्रॉम अ कॉमेडी स्ट्रेट इन टू ट्रेजेडी, इट वॉज ट्रेजिक कॉमिक। थ्री ऑफ यू, दिस एक्ट वॉज मार्वलस, लेकिन बियॉन्ड द एक्ट पूरे सीजन में जो आपने किया, हैट्स ऑफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्ची। अरबाज कैसा लगा आपको आपके पहले ग्रैंड फिनाले का ये पहला एक्ट? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ग्रैंड फिनाले है तो सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो अपनी पूरी मेहनत, पूरी एफर्ट, सब जो कुछ भी है वो लगा देते हैं, और वो आपके आज परफॉर्मेंस में लगा। भारती, टुडे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू आर लुकिंग वेरी वेरी क्यूट इन दिस लाइक अ रियल मरमेड मरमेड आउटफिट। एंड कीकू, यू प्लेइंग दिस इंग्लिशमैन एंड दिस जेंटलमैन हु ऑन अ अर्ली मॉर्निंग संडे और व्हाटएवर गोज आउट फॉर हिज फिशिंग वाज प्लेड aptly, hats off to you guys. सर, इस फिनाले का ये हम तीनों का लास्ट एक्ट है, और पूरे सीजन में जिस बंदे ने हमारे लिए एक्ट लिखे बहुत अच्छे लिखे, बीच में कुछ गड़बड़ाई भी हमारी कश्ती, तो हम चाहेंगे कि इस एक्ट का एंड हम अपने राइटर के साथ करें, तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि हमारे राइटर को बुलाया जाए। हर्ष को हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे ग्रैंड फिनाले के मौके पर। इनको लगाओ हार्नेस पर और भेजो ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे एक्ट लिखते हैं भाई? हर्ष, ये सिर्फ आपके लिए है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज ग्रैंड फिनाले के मौके पर सस्पेंस हम थोड़ा हाई रखेंगे, तो जजेस प्लीज कैन आई रिक्वेस्ट यू टू राइट योर स्कोर्स। इसका खुलासा होगा एपिसोड के आखिर में। फिलहाल हर्ष और उनकी टीम, भारती, सिद्धार्थ और कीकू के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक सौतेली चाची के जुल्मों का सताया हुआ दुखियारा बच्चा गांव के कमीने लाला की बेटी से प्यार करता है सच्चा, लेकिन क्या वो अपने प्यार को पाएगा? क्या चाची के जुल्मों का बदला ले पाएगा? कॉमेडी सर्कस प्रेजेंट्स फुल ऑन फिल्मी कहानी चला अलबेला हीरो बनने, स्टारिंग कपिल शर्मा एज अलबेला, श्वेता एज लाला की बेटी एंड मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स। आज खुश तोड़े होंगे तुम। डायलॉग की वेट मतलब पैसा निकालो मेरा पहले। एक कल कल करके फिनाले तक ले आएगा, उसके बाद में तो मिलेगा नहीं कोई मेरे को। अरे मेरे को फिल्में करनी है अभी, समझ में आया ना? फिल्में देख रहा हूँ मैं आजकल। शाहरुख खान की शोले देखी मैंने कल, आपकी भी देखी, 30 मार खान, आपकी जोकर, सब फ्लॉप फिल्में आपके नाम पे लगाऊंगा अभी। अरे जब हम लोगों को इन्होंने फिल्में नहीं देनी, हम क्यों पढ़ रहे थे इनको? कल मेरे को एक आदमी पूछ रहा था, मेरे को कह रहा दबंग 2 किसने बनाई, मैंने कहा चंकी ने। हम क्यों नाम ले इनका? अरे ऐसे ही बात नहीं होती, सोहेल खान से फिल्म मांगी नहीं थी, रोहित शेट्टी से फिल्म मांगी नहीं थी। अरे तुम लोगों से अच्छा तो साजिद का मेरा भाई, कल मेरे को फोन आया, कहता भाई तेरे को स्टोरी सुनानी है, घर पे आके मिल नरेशन देनी है। मैंने कहा मेरे को आइडिया बताओ, हो सकता है मैंने देखी हो। पता पड़े में फिल्म चल रही, लोग बोलते हैं अभी ये सीन आएगा, अभी ये आएगा, अभी ये आएगा, ये सीन खराब है, लगता है उसने खुद से डाला है। ऐसे होता है। मेरे को भी फिल्में करने का बड़ा शौक है, मैं भी मुंबई जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी चाची
मेरी सतेली चाची मेरे को बड़ा मारती दारू पी के। हे भगवान उठा ले मेरी चाची को। कितनी बार कहा मेरी पीठ पे लात मत मारा, अगर मुझे नहीं लगता मैं मां बन पाऊंगा। तेरे को कितनी बार बोला कि रात को सोने से पहले खिड़की बंद कर दिया कर। रात में बिल्ली आई थी सारा दूध पी गई। तो मैं खिड़की बंद करना भूल गया तो तू कंबल ओढ़ के सो जाती। बिल्ली डरती है कंबल से क्या? ए चाची मेरी बात सुन, कि तेरी बातें मैं ही सुन लेता, तेरे हंटर खा लेता हूँ, जानवर लोग नहीं सुनते। तेरे को पता कल तूने गाय को डंडा मारा था ना, भैंस को, ऐसे उसके सांड ने देख लिया, अब लाठी लेके तेरे को ढूंढ रहा है। अरे ऐसे सांडों से मैं नहीं डरती, समझा? जल्दी से मुझे खाना दे, मुझे भूख लगी है। ठीक है क्या खाओगी? लच्छे पराठे। ठीक है लच्छा पराठा खिला दी तेरे को, लच्छा पराठा। बैठना चाची इधर, लच्छा पराठा खाएगी। हाँ चाची। हाँ बोल। वो देख चिड़िया कहाँ है। अच्छा सुन, हाँ जैतून का लगाना, जैतून का तेल। अब जैतून का तेल कहाँ से आएगा? सुनना चाची। हाँ बोल बेटा। पराठा खाएगी किसके साथ? सब्जी तो है नहीं। तो बेटा ऑमलेट बना दे, ऑमलेट के साथ रम का मजा ही कुछ और है। ऑमलेट कहाँ से लाऊं चाची, अभी मुर्गी ने अंडे नहीं दिए, दो हफ्ते हो गए। क्यों नहीं दिए? मेरे क्या पे उछड़ी है, खुद मुर्गा मार के खा गई, अभी बोल रही मुर्गी अंडे कहाँ से दे रही। चाची हो चाहे मुर्गी, प्रोसीजर सेम ही होता है। दिमाग मत खाकर पराठा दे, मुझे पराठा दे। मत मार चाची, ये ले पराठा। ये कैसा? अरे इसमें से तो डीओ की खुशबू आ रही, बड़ा टेस्टी होगा ये तो। डीओ। ये क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है ये? सर्दी लग रही चाची। अच्छा जून का महीना, तंदूर के सामने खड़ा है, सर्दी लग रही तुझे। मत मार चाची, तभी मैं कहूँ मेरे को पसीने क्यों आ रहे। लठ कहाँ, तो लठ से मारूंगी तुझे। लठ चाची ये ना हो, लठ ना मिले और तू मेरा मुंह तंदूर में दे दे, ऐसा मत करना। अच्छा याद दिलाया तूने बेटा। चाची अच्छा याद दिलाया। मत कर चाची, चाची मत कर चाची। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती ना, तंदूर से अपना मुंह मत निकालना, वरना जान ले लूंगी तेरी, जान ले लूंगी तेरी। देखा मेरी चाची कितना मारती, मेरे से कोई भी प्यार नहीं करता सिवाय मेरी पिंकी के, मुझे लाला की बेटी ना। ओए अलबेला, क्या तू फिर से देर से आया? मेरी बात सुनना, तू मेरे को शादी के लिए हाँ कम बोलेगी, तेरे को पता है मैं तेरे को तन तन से प्यार करता हूँ। तू पागल है, हैं? तू कहाँ नौवीं पास और मैं कहाँ दसवीं फेल, तेरा मेरा क्या मेल? हट, मैं तो गांव के किसी पोस्टमैन से शादी करूंगी। हाँ तो चाहिए तो तेरे को कि स्टैंप लगाने वाले ना। कर लेना शादी मेरे से। ओए चुप कर, तुझसे क्यों शादी करूंगी? तुझे पता है ना तू गरीब, मैं अमीर, हाँ तेरा मेरा प्यार नहीं हो सकता। ए प्यार कोई अमीरी गरीबी देख के नहीं होता, प्यार यहाँ से होता है, तेरे को तो पता ही होगा। हाँ मुझे पता है। ए राधा बिटिया। अरे राधा रानी। अरे राधा बिटिया कहाँ मर गई? अरे अरे कहाँ है राधा? अरे नौकर, तुझे कितनी बार कहा मरे, मेरा सूट फाड़ दिया तूने, ऐसा धोया तूने। कहाँ से पड़ा है? अरे तुझे दिखाई नहीं देता मरे, पीछे से जला रहा था, फिर क्या होगा, आगे से पूरा फटा, इसके बारे में तो बात नहीं कर रहा तू। अरे मरे, आगे से खुला होता है, पीछे से फटा होता है मरे। ए, हाथ नहीं उठाना मेरे को, गरीब को इज्जत प्यारी होती है। कितने का कोटा तेरा? 2000 रुपए का है। 2000 का ना, इज्जत गई भाड़ में, तू थप्पड़ मार। अरे कमीने, मेरी बेटी से मिलना बंद कर दे मरे। तेरी बेटी से प्यार करता हूँ मैं। प्यार करता है तो अपनी औकात देखिए तूने। औकात क्या वे, औकात क्या, दो वक्त की रोटी और एक टाइम का गद्दा ही चाहिए होता है क्या प्यार? बहुत जमीन जायदाद है मेरी गांव में, लाखों की। काहे की तेरी लाखों जमीन की जायदाद पे? तेरी जायदाद पे सुबह सुबह लोग जायदाद करके जाते, थोड़ी थोड़ी कब्जा कर रहे तेरी जायदाद पे। सिर्फ वही लोग कब्जा नहीं कर पाते जिनको कब्ज हुई होती है। बड़ा है तू बेटा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे थप्पड़ मार के दूंगा बेटा, एक थप्पड़ मारने दे मुझे। साले इतना ही खौफ था मेरा, तो मेरे को थप्पड़ क्यों मारा, तेरी आवाज क्यों निकल रही है? अरे कमीने, मेरी आवाज निकल रही है, तू बहरा हो गया, ये कान से बहरा हो गया तू। और दोबारा अगर इस घर में दिखा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मुंबई, देखना एक दिन बड़ा आदमी बन के लौटूंगा मैं। अरे हट, बड़ा आया तू मुंबई नहीं जा सकता अपनी पिंकी को छोड़ के। अरे काहे की पिंकी, तेरे को हंसी नहीं डालती वो, यहाँ तेरी चाची है। अरे काहे की चाची, शराब पी के तेरे को मारती है। बात तो तूने सही कही, ये बात सुन, जब हम दोनों एक है तो घूम घूम के बात क्यों कर रहे हैं?
निकल अलबेला, दिल्ली निकल, उसके बाद मुंबई, तेरा वहीं पे बना हुआ है अलबेला। आज अलबेला स्टार बनेगा, अलबेला स्टार बनेगा। और अलबेला की कहानी 3 साल बाद। बापू, बापू, अरे क्या हुआ बिटिया, क्या हुआ? बापू, 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 मेरा अलबेला ना शहर में बहुत बड़ा स्टार हो गया है। देखो अखबार में उसकी कितनी बड़ी फोटो आई है। हाय, और पता है इसमें लिखा है कि अलबेला गांव वापस आ रहा है। ओह गॉड, मेरा गांव कितना डेवलप हो गया है। बुड्ढे लोग लड़के लेके घूम रहे हैं। ओह गॉड। ए, अरे बेटी है मेरी, और तेरी शक्ल तो कुछ जानी पहचानी लगती है। पापू, अलबेला, अलबेला, अलबेला। डोंट कॉल मी अलबेला, कॉल मी अल्बू, अल्बचिनो। कितना बड़ा स्टार हो गया है। अलबेला बेटी, अरे यही खड़ी रहेगी बेटी। अलबेला आया बेटी, तिलक कर बेटा, इसको तिलक कर। वाह भगवान तेरी लीला न्यारी, कहले मेरे माथे पे डंडे मारते थे, अभी मेरा तिलक कर रहे हो। वाह, अरे वाह भाई वाह, देखो हमारा बेटा शहर चला गया लेकिन अपने संस्कार नहीं भूला। चल बे, काहे के संस्कार, चलो हटे यहां से। अरे ठीक है बेटा, जाता हूँ बेटा, मैं अपनी राधा को बताऊंगा, हमारा बिटवा टूट फास मिल भी लेगा वहां। अरे राधा, राधा रानी। अलबू, थप्पड़ मारूंगा तेरे को, पता है इंडस्ट्री में एज ए सिंगर भी हिट हो रहा हूं मैं। अभी अभी प्रीतम ने मेरे से गाना गवाया सुपर हिट। तुम्हें कैसे पता वो सुपर हिट है? वो फ्लॉप उठाता ही नहीं, सीधा सुपर हिट उठाता है, गाऊंगा। चलो हटे यहां से। अलबेला, तुम कितने बदल गए हो, तुम्हें याद नहीं तुम मेरा इंतजार किया करते थे? क्या तुम मेरा कितना इंतजार किया करते थे, घंटों? पुरानी बातें हैं, अभी इतना टाइम नहीं आता मेरे पास, अभी तो ट्रेन लेट आती है, मैं वेट नहीं करता, पैदल निकल जाता हूं मैं। पर अलबेला, तुम्हें याद है तुम नदी के किनारे पत्थर पर बैठकर मेरी झूठी चाय पिया करते थे? क्योंकि वहां पे रेस्टोरेंट कोई नहीं था, मेरे को तलब लगती थी इसलिए पीता था। अलबेला, तुम भूल गए ना कि हम घंटों आसमान के नीचे घास पर सपने देखा करते थे? सपने नहीं देखता था मैं ऊपर को देखता सोचता था घास पे लेटे में कोई शायद कमरा डाल जाए, फिर इसको बताऊं मैं। आ गया मेरा बेटा अलबू, हाय मेरा अलबू आ गया बेटा, तू आ गया। अरे चाची। आ गया मेरा बेटा। चाची, मेरे हाथ कब से तरस रहे थे तेरे को मारने के लिए, अकेली आई, तेरा हंटर नहीं आया? हंटर नहीं आया तेरा चाची? हंटर नहीं आया तेरा? मतलब 2 साल का था मैं जब लोगों के कपड़े धुलवाती थी मेरे से, मेरा खुद का डायपर गंदा पड़ा रहता था। के बदले लूंगा मैं। क्या कर रहे हो अलबेला? क्या? तुम अपनी चाची को मार रहे हो? मुझे लगता है अब तुम मुझसे शादी भी नहीं करोगे। करूंगा, जब जब भी गांव आऊंगा थोड़ी थोड़ी शादी करूंगा तेरे से। अरे थोड़ी थोड़ी शादी क्या होती है बेटा? वही जो तो लाला के साथ करती थी बुड्ढन। बेटा ऐसी बात नहीं है, शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है बेटा। ओहो, बोल देखो कौन रहा है। ये तो वही बात हो गई कि विपुल चोरों को कह रहा भैया चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए। गिन गिन के बदले लूंगा। हंटर का है तेरा बुढ़िया? हंटर का ये। हंटर उठा, और जब तक मैं ना कहूं तो मारती रहेगी इसको। ये मर जाएगी। तो और किस लिए बोल रहा हूँ, मेरे को टैटू थोड़ी डाल ले। और बुढ़िया को इतने हंटर मार जब तक मेरा ये बैंड बंद नहीं हो जाता। देख भगवान सब देखता है, सब अरेंजमेंट हुए पड़े हैं। इतने हंटर मार बुढ़िया को, टांगे तोड़ दूंगा दोनों की। बहुत हो गया, अभी वेस्टर्न।
मर गई। पैसे के नशे में अंधा होकर अपने चाची को मारने चला था, खुद भी मर गया। इसीलिए कहते हैं अपनों से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कॉमेडी सर्कस के अजूबे के ग्रैंड फिनाले के इस परफॉर्मेंस के बारे में हमारे जजेस का क्या कहना है? अर्चना, इस अवतार में मैंने पहले कपिल को कभी नहीं देखा और आप इतना बढ़िया ड्रम बजा सकते हैं। एंड यू गॉट श्वेता डांसिंग टू योर ट्यून, वेरी वेल डन। मुबीन, यू आर सुपर्ब। आप अजूबे के तौर पर आए हो लेकिन यू बिकम वन ऑफ द इनमेट्स ऑफ कॉमेडी सर्कस एंड यू डन अ फैबुलस जॉब। और बस आई होप कि हमारी टीम्स ने आपको आज हमारे ग्रैंड फिनाले में इम्प्रेस किया है बहुत ज्यादा। इट वॉज अ वेरी वेल परफॉर्म्ड एक्ट, इक्वली वेल रिटन एंड समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ कपिल एंड एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द फिनाले। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू अरबाज। जजेस प्लीज आप अपने स्कोर्स लिख लीजिए।